Dear students, welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes. Okay? तो बच्चों आपका स्वागत है इस reaction mechanism के lecture में, जहां पर हम octahedral complexes की reaction mechanism पढ़ रहे हैं. और इससे पहले के lectures में हमने general mechanism पढ़ा था octahedral complexes का, और उसके बाद हमने पढ़ा था acid hydrolysis, यानी equation एसिड हाइड्रोलिसिस वो कैसे होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है. तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो बेस हाइड्रोलिसिस होता है वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो बेस हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस क्या है. एक्चुअली बेस हाइड्रोलिसिस है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जो एक हाइड्रोक्सिल एनायन है जो कि वाटर से जनरेट होता है, तो ये हाइड्रोक्सिल एनायन क्या करेगा, ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके कोऑर्डिनेशन से जो कोऑर्डिनेटेड एक लिगेंड है जो कि लिविंग लिगेंड होगा उसको रिप्लेस करेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं. आपने एसिड हाइड्रोलिसिस में देखा था कि वहां पर H2O मॉलिक्यूल जो है वो एक लिविंग लिगेंड को रिप्लेस करता है, जबकि यहाँ पर OH- जो कि H2O से जनरेटेड आयन है वो क्या करता है, वो इस लिविंग लिगेंड को क्या करता है, रिप्लेस करता है, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. जनरली ये जो रिएक्शन है ये हायर पीएच पर होती है, और मीडियम का पीएच जनरली 10 से अधिक होता है. बेस हाइड्रोलिसिस जनरली सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विद द रेस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर विद द रेस्पेक्ट टू द हाइड्रोक्सिल आयन. तो जनरली ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है. अब अगर हम मैकेनिज्म देखें जो बेस हाइड्रोलिसिस है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, तो अगर हम उसे देखें तो दो मैकेनिज्म के थ्रू वो हो सकती है, दो मैकेनिज्म की स्टडी की गई है. एक है SN2 मैकेनिज्म और दूसरा जो एक्सप्लेन किया गया वो SN1 कंजुगेट बेस मैकेनिज्म, जिसे SN1 CB मैकेनिज्म कहते हैं. तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. SN2 मैकेनिज्म, अगर SN2 मैकेनिज्म को देखें हम बेस हाइड्रोलिसिस के, तो आप देखेंगे कि ये कोबाल्ट का एक अमीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अगर ये रिएक्शन अगर ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होगी तो ये जो बेस है पहले ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल आयन, और जब ये रिएक्ट करेगा तो एक जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, और ये एक स्लो स्टेप होना चाहिए अगर ये SN2 मैकेनिज्म है. ओके, और अगर आप इसको देखें सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, जहां पर ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, जनरेट रिमूव हो जाएगा, और OH जो है वो माइनस कहाँ आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा. तो अगर हम इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखें, क्योंकि ये एक स्लो स्टेप है, तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस. ओके, लेकिन हम ये देखेंगे कि SN2 जो मैकेनिज्म है ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. तो इसका मतलब है कि जो SN2 मैकेनिज्म है उसके थ्रू बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होती, बल्कि इसको आप देखेंगे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SN1 CB मैकेनिज्म. हम ये देखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि ये कंजुगेट बेस मैकेनिज्म के थ्रू होती है. तो SN2 कैसे फेल हो जाता है, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो आप देखेंगे कि हाई कंसंट्रेशन अगर हम OH- आयंस की लेंगे तो क्या होगा कि ये जो OH- की आयन है ये क्या होगी, ये सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी अगर हम इसको हाई अमाउंट में ले लें, तो उसके हिसाब से क्या होगा, फिर ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पर ही ये डिपेंड करेगा. इसलिए SN2 मैकेनिज्म अगर हाई कंसंट्रेशन OH- की है तो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हो पाएगी. ओके, और दूसरा अगर आप पॉइंट देखेंगे तो आप क्या देखेंगे,
आप ये देखेंगे कि जहां पर SN2 मैकेनिज्म होगी वहां पर हाइड्रोलिसिस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जैसे हमने OH- की बात की तो उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और जब रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तभी वो SN2 मैकेनिज्म होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा था ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी तब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जैसे NCS नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है, ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि सेम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, ओके? और ये रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट नहीं करते हैं और ये इनका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है। इन लिगेंड्स का जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्लो होता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म क्या होती है उसकी जो रिएक्शन रेट्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और SN1 मैकेनिज्म की रेट्स जो है होते हैं क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड्स हैं ये स्लो रेट शो करते हैं, इसलिए SN2 मैकेनिज्म तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा, बेस हाइड्रोलिसिस, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो अब आपने देखा कि ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू तो नहीं हो सकता, सेकेंड ऑर्डर हमने जरूर कही थी, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में क्या था बच्चों कि जो OH- था अगर उसका कंसेंट्रेशन हाई होगा तो फिर ये क्या हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, एक ही ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर इस तरीके के लिगेंड्स होंगे तो भी ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। SN1 मैकेनिज्म जो होगा वो किस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पर होगा, इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस मैकेनिज्म, ओके? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म इसे हम कहते हैं। और यहाँ पर तीन स्टेप में ये रिएक्शन होगी। जो पहला स्टेप है वहां पर क्या होगा, वहां पर ये जो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ऑर्गेनिक एसिड का दिया है, तो ऑर्गेनिक एसिड की जब हम एक बेस से रिएक्शन करते हैं तो ये बेस की क्या टेंडेंसी होती है, ये इस एसिड में से एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना दिया इसने, कंजुगेट बेस बना दिया। तो ये कंजुगेट बेस है इस एसिड का, तो एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है इसका, ये है कंजुगेट बेस, ओके, किसका, AH का। तो इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसी रिएक्शन एमीन कॉम्प्लेक्स भी शो करता है जहां पर एक जो इनर्ट लिगेंड है उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए तो इस लिगेंड में से जो इनर्ट लिगेंड है उसमें से OH- हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। और यहां पर आप देखेंगे एसिड और बेस के बीच में इक्विलिब्रियम है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड और उसके आयंस के बीच में होता है ऐसा ही एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है एमीन कॉम्प्लेक्स और उसके कंजुगेट बेस के बीच में। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो K1 है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर, यानी क्यों है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस अमीन कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और इस न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। और ये जो बना है देखिए, इसके एक अमीन में से OH- ने H प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस ऑफ दिस अमीन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा, जो कंजुगेट बेस बना है, ओके, इस कंजुगेट बेस में क्या बन गया है, एक NH2- लिगेंड है। और ये NH2- लिगेंड जो है इट इज अ गुड
पाई डोनर लिगेंड, ये अच्छा पाई डोनर लिगेंड है और ये क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है कोबाल्ट के साथ। तो ये पाई डोनर लिगेंड है इसलिए कोबाल्ट के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, एक फाइव कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसा कि आपने देखा था इससे पहले के लेक्चर में, कुछ लेक्चर्स में आपने देखा था कि अगर लिगेंड, कौन सा लिगेंड, जो इनर्ट लिगेंड है, इफ इट इज पाई डोनर, अगर वो पाई डोनर है तो वो क्या करेगा, जो जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती थी और वहां पर जो इंटरमीडिएट है वो फाइव कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनता था। तो इसी तरीके से क्योंकि NH2- एक एक पाई डोनर लिगेंड है इसलिए ये क्या करेगा, इसमें से Cl- निकल जाएगी। जैसे SN1 रिएक्शन होती है उसी तरीके की रिएक्शन देखिए स्टार्ट हो गई है और इसमें से जो लीविंग ग्रुप है वो आसानी से निकल जाएगा और यहाँ पर फाइव कोऑर्डिनेटेड जो इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए आप देखेंगे जो पाई बॉन्डिंग है NH2 की और CO की वो हेल्पफुल है इस लीविंग लिगेंड को रिमूव करने में, इसका डिसोसिएशन करने में हेल्पफुल है। जैसा आपने इससे पहले भी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो एसिड हाइड्रोलिसिस था वहां पर भी आपने देखा था, इस तरीके के लिगेंड अगर प्रेजेंट होते हैं तो SN1 के थ्रू मैकेनिज्म होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है यहाँ पर फाइव कोऑर्डिनेटेड रिंग बन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्टेप थ्री होगा वहां पर क्या होगा, ये जो फाइव कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वहां पर आपने देखा जो Cl है उसको OH- ने रिप्लेस कर दिया। ओके, अगर हम इन तीन स्टेप्स के हिसाब से कंजुगेट बेस मैकेनिज्म की काइनेटिक्स देखें तो क्या होता है। देखिए स्टेप वन में आपने देखा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और कैसे एस्टेब्लिश होता है, इट एस्टेब्लिश्ड वेरी क्विकली जो है वो इक्विलिब्रियम जनरेट होता है और क्या बनता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप को आपने देखा, यानी एक जो टर्म है आपने पढ़ा क्विक, फास्ट रिएक्शन हो रही है फास्ट इक्विलिब्रियम में, और दूसरा आपने देखा कि उस स्टेप में कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा था। जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिगेंड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था, जब कंजुगेट बेस था उसमें से Cl- का डिसोसिएशन हो रहा था और जैसे ही ये डिसोसिएशन हो रहा था ये स्टेप कैसा था, स्लो, जैसे SN1 मैकेनिज्म में होता है स्लो स्टेप था, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। और जो थर्ड स्टेप था वो फास्टेस्ट स्टेप होता है जहां पर H2O में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कौन करता है, NH2- ग्रुप करता है, ये फास्टेस्ट स्टेप है। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप टू अगर स्लोएस्ट स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, SN1, क्योंकि स्टेप टू में आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स था कौन सा कॉम्प्लेक्स था, जो कि MnCO था, NH3, ओके, होल फाइव आपने देखा NH2 एंड Cl, ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें से यानी रिमूव हो जाएगा Cl-, और जब Cl- रिमूव होगा तो क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये आपने देखा ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड बनेगा, ये फोर यहां पर क्या रह गया, यहाँ पर भी क्या था, फोर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ से Cl निकल जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेप में, तो ये जो सिक्स कोऑर्डिनेशन था ये फाइव कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SN1 मैकेनिज्म है। ओके, और इसमें आप देखेंगे कि पहले स्टेप में क्या बन रहा था, कंजुगेट बेस बन रहा था, तो है तो SN1 मैकेनिज्म और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कंजुगेट बेस का, इसलिए ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है, SN1 कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। अब अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेप टू पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब स्टेप टू को देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस
कॉम्प्लेक्स, इसके कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के टू इंटू दिस कंसेंट्रेशन। तो आप देखिए के टू इंटू दिस कंसेंट्रेशन स्टेप टू में जो हुआ। अब आप देखिए स्टेप वन के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए, स्टेप वन पे आ जाइए। स्टेप वन को अगर आप देखेंगे तो के वन क्या होगा, के वन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, के वन, और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, ये कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे। ये जो कंसेंट्रेशन निकलेगी देखिए, उसको हम कहां फिट कर देंगे, पहली इक्वेशन में। देखिए यहां पर आप, ये फर्स्ट स्टेप से हमें के वन मिला, H2O बहुत अधिक था इसलिए हमने उसको वन मान लिया, और यहां से हमें इस कंसेंट्रेशन, ये देखिए इसकी कंसेंट्रेशन हमें मिल जाएगी जो कि ये है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस कंसेंट्रेशन को, ये जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को हमने कहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के वन के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस कंसेंट्रेशन पर और इस कंसेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप इस ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे, उसका रेट देखेंगे, तो दो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। और जो मैकेनिज्म है वो SN1CB ये फॉलो कर रहा है। अब जो मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा, ये डिपेंड करेगा एक तो इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर सकता है और यहाँ पर प्रेजेंट लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बेस हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ओके, तो इसमें हम पहला एग्जांपल देखेंगे, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा कि जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, एमीन कॉम्प्लेक्स है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ OH माइनस। तो अगर OH माइनस एक्सेस, जो हमने पहले भी कहा था बच्चों कि अगर OH माइनस एक्सेस में होगा, वैसे तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, देखिए इस पर भी डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन हाई होगा तब क्या होगा कि ये कांस्टेंट है और केवल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, तो कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज आएगा और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। ओके, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के हमने न्यूक्लियोफाइल लिए हैं, कितना अमाउंट लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम हाइड्रोलिसिस इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को देखें और उसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कहें कि हम NO2 माइनस, NCS माइनस एंड N3 माइनस की हेल्प से देखना चाह रहे हैं, तो आपने ये पहले भी देखा था कि ये तीनों ऐसे लिगेंड हैं जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है और ये इन पर रेट डिपेंड नहीं करता है, ये स्लो रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एक बात आप देखेंगे कि यहां पर NO2 माइनस, NCS माइनस एंड N3 माइनस, ये एनायंस वीकर बेस हैं OH माइनस की कंपैरिजन में। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता है जो यहाँ NH3 में से H+ को क्या कर पाए, उसको ले पाए, उसको रिमूव कर पाए। जैसा OH में आपने देखा था कि वो यहां से H को रिमूव करके NH2- बना देता है, लेकिन NO2- NCS- एंड N3- की ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है, इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट, अब इसका मतलब क्या है, कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। कंजुगेट बेस क्या है, जहां पर NH3 NH2- में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो मैकेनिज्म SN1CB के थ्रू ये मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि दो तरीके की मैकेनिज्म पॉसिबल है। सबसे पहले कहा था आपसे, ये कहा था कि SN2 मैकेनिज्म हो सकती है या SN1CB हो सकती है। SN2 तब होगी, तब अप्लाई हो रही है जब OH माइनस की कंसंट्रेशन अधिक नहीं है। वहां पर SN1CB जहां पर OH माइनस आयन अधिक है, वहां पर आप देख रहे हैं SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, और वो कैसा हो गया, यूनिमोलिकुलर हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके के अगर हम बेस लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि SN1CB मैकेनिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN1CB मैकेनिज्म वहीं पर होगी जहां पर कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इनका हाइड्रोलिसिस जो है वो या तो हम SN1 मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम SN2 मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। न तो ये SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो या तो SN1 मैकेनिज्म होगी या SN2 मैकेनिज्म होगी। तो इसलिए जो है वाटर मॉलिक्यूल जनरली क्या होता है, इतने हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कि इनका कंसंट्रेशन जो है वो आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन में जो अटैक होगा वो किसका होगा, वो थ्रो SN2 या SN1 मैकेनिज्म होगा। ओके, और अटैक किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का होगा, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो जनरली क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है और वाटर मॉलिक्यूल अगर हाई है तो वो अटैक करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड होगा, अगर SN2 पाथ है तो एसोसिएशन होगा, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ेगा, देन डिसोसिएशन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होता है, आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड वाटर के ऊपर, क्योंकि ये SN2 पाथ हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेस में है, इसलिए जो जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करेगा। और इस रिएक्शन को अगर हम SN1 पाथ के थ्रू दिखाएं तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स था, इसमें से पहले Cl- डिसोशिएट होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया, फिर किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पर डिपेंड करेगा, केवल कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो इन न्यूक्लियोफाइल्स के प्रेजेंट होने से फर्क नहीं पड़ता है कि रिएक्शन SN1 के थ्रू हो रही है या SN2 के थ्रू हो रही है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो केवल एक ही जो जो रिएक्टेंट है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रही है। इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला जो हमने एग्जांपल लिया था जहां पर OH- ज्यादा होगा, वहां पर आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल्स होंगे तो भी इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। इसी तरीके से हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे, अलग अलग तरीके के एग्जांपल में देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस की जो मैकेनिज्म की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पर डिपेंड करता है। अब एक जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस एम इथाइलिन डायमिन कॉम्प्लेक्स है एंड Cl2। इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम बेस हाइड्रोलिसिस करना चाहें तो इसमें सिस और ट्रांस दो आइसोमर की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस मैकेनिज्म से हो सकता है। तो पहला तो आप देखिए कि जो इसमें ईन लिगेंड है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यानी कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक NH2 में से H है वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है और कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर SN1 कंजुगेट मैकेनिज्म हो सकती है क्योंकि कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दूसरा आप देखेंगे कि ट्रांस एंड सिस, यानी अगर हम ट्रांस क्लोरीन की बात करें, अगर एमीन के ट्रांस में क्लोराइड होगा तो 100 times मोर एसिडिक होता है, यानी उसमें से H+ का एब्स्ट्रैक्शन आसान होता है बजाय इफ इट इज प्रेजेंट इन द सिस पोजीशन। तो अगर Cl- आयन ये NH2 के सिस में है तो इसका एसिडिक नेचर कम होगा, किसका, अमीन ग्रुप का, और जो जो एमीन ग्रुप ट्रांस है Cl- के, उसका एसिडिक नेचर
प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर ट्रांस में कोई अमीन ग्रुप है सीएल के, तो वहां पर जो बेस का फॉर्मेशन है, कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन, वो आसान होगा, और जहां पर वो सिस है वहां पर मुश्किल होगा। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं सिस COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ओके, यहाँ पर Cl माइनस को देखिए, Cl माइनस जो है वो NH2 के सिस में है, ओके, और आप यहाँ पर और यहाँ पर Cl जो है वो NH2 के, आप देखिए ट्रांस पोजिशन पर भी है, ओके। अगर आप ये ट्रांस को देखेंगे तो ट्रांस के केस में क्या है कि सारे ही NH2 क्या है, Cl के सिस में। तो यहां पर लेकिन क्या है कि हाँ, NH2 के ट्रांस पोजिशन पर भी Cl माइनस प्रेजेंट है। तो इस Cl के जो ट्रांस में जो NH2 होगा, हमने ये कहा कि यहां पर जो NH2 है वो अधिक एसिडिक होगा, और जो Cl के सिस में जो NH2 होगा वो कम एसिडिक होगा। तो अगर ये कम एसिडिक होगा तो इसमें से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन उतना आसान नहीं होगा जितना आसान इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। इसलिए आप देखेंगे कि सिस कॉम्प्लेक्स के केस में ये एमीन का फॉर्मेशन आसान होता है, जो कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन क्या होता है, आसान होता है, और ट्रांस आइसोमर में ये कंजुगेट बेस उतनी आसानी से नहीं बनता, क्योंकि NH2 में से H का निकलना इतना आसान नहीं होता। जब Cl और NH2 सिस में होते हैं, जब Cl और NH2 ट्रांस में होते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्शन आसान होता है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि जो सिस कॉम्प्लेक्स है उसमें कंजुगेट बेस का बनना आसान है बजाय ट्रांस आइसोमर के। इसलिए बेस आइडोलिसिस जो सिस कॉम्प्लेक्स होता है उसका फास्टर होता है एज कंपेयर टू दी ट्रांस आइसोमर। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पर, SN1CB, क्योंकि कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग तरीके से हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। अब आप एक एग्जांपल और देखिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है वहां पर क्या होगा। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहां पर आप देखिए कोई ये जो लिगेंड है, जो इनर्ट लिगेंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो कंजुगेट बेस नहीं बनेगा, और अगर कंजुगेट बेस नहीं बनेगा तो SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का जो हाइड्रोलिसिस है वो ये SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं पाई जाती। तो आपने चार तरीके के एग्जाम्पल देखे, जहां पर आपने देखा कि एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां पर आपने देखा OH का कंसेंट्रेशन बहुत हाई था, ओके, ये पहला कॉम्प्लेक्स था। तो यहाँ पर आपने देखा सिंगल कॉम्प्लेक्स के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा आपने देखा न्यूक्लियोफाइल अगर इस तरीके के होंगे तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो हम E1CB की SN1CB की थ्रू उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना अच्छा एब्स्ट्रैक्शन इसका नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम SN2 और SN1 पाथ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखा आपने जहां पर ट्रांस और सिस आइसोमर की हमने बात की थी। अगर सिस आइसोमर था तो वहां पर जो हाइड्रोलिसिस था वो आसान था, ट्रांस आइसोमर में उतना आसान नहीं था, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में जो कंजुगेट बेस है वो आसानी से बनता है, इसको हमने इस एग्जांपल से बताया था। अब आपने देखा कि जहां एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होगी वहां पर E1CV मैकेनिज्म नहीं होगी, क्योंकि कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इंटरमीडिएट्स। जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे यहां पर उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या वहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा या वहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बेस हाइड्रोलिसिस था वहां पर तीन स्टेप थे। पहले स्टेप में आपने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस, दूसरे स्टेप जो स्लो स्टेप था वहां पर आपने देखा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और वो इंटरमीडिएट कैसा होता है, 5 कोऑर्डिनेटेड होता है, ओके। तो यानी वो जो इंटरमीडिएट होगा इट मे बी आइदर स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर पिरामिडल और इट मे बी ट्राइगनल बाई पिरामिडल।
तो इन दोनों इंटरमीडिएट में से कोई एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा उसको हम देखेंगे। और जो थर्ड स्टेप होगा वो तो फास्ट होगा, उसमें उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो हम बात कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट की, किस तरीके का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट कहाँ पर बनता है। अगर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा कहाँ पर बनेगा, जहां पर इनर्ट लिगेंड ना तो पाई डोनर होगा और ना ही पाई एक्सेप्टर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने एसिड हाइड्रोलिसिस में ये मैकेनिज्म पढ़ ली थी, तो वहां पर भी हमने देखा था अगर इनर्ट लिगेंड ना तो पाई डोनर होगा ना पाई एक्सेप्टर होगा तो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा तो रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री होगी, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी होगी जैसी रिएक्टेंट की होगी। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस का। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रांस आइसोमर है जहां पर ए और एक्स, एक्स जो है एक लिविंग लिगेंड है, ये ए और एक्स एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोजिशन पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए जो है वो ना तो एक पाई डोनर है और ना ही एक पाई एक्सेप्टर है, तो ये एक्स आसानी से रिलीज होगा। देखिए एक्स रिलीज हो गया, ये हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर इस सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है, अगर हम सिस आइसोमर को देखें तो ये देखिए एक सिस आइसोमर है जहाँ पे ए और एक्स, ये एक इनर्ट लिगेंड है ये, और एक्स क्या है, एक लिविंग लिगेंड है। तो ए और एक्स एक दूसरे के सिस पोजिशन पर है। अगेन अगर एक्स का रिमूवल होता है तो देखिए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई और ये एक स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन गया, आसानी से बन रहा है जहां पर कोई भी बॉन्ड के मूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो स्क्वायर पिरामिडल क्या बन गया, क्या बन गया है, देखिए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया है। और जब स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्या होगा, इस जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा दूसरा वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो आप देख रहे हैं जहां से एक लिविंग लिगेंड निकला वहीं पर आके एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, जिससे कि ट्रांस जो रिएक्टेंट था वो ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यहाँ से अटैक होगा तो जो एक सिस प्रोडक्ट है वो, सॉरी सिस रिएक्टेंट है वो सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा अगर इंटरमीडिएट कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब देखिए ट्राइगनल बाईपिरामिडल इंटरमीडिएट कहाँ पर बनेगा, ट्राइगनल बाईपिरामिडल इंटरमीडिएट कहाँ पर बनेगा, जहां पर इनर्ट लिगेंड कैसा होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा। और इस केस में क्या होता है कि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वो जो रिलीज एनर्जी है वो यूटिलाइज करते हैं जिससे कि जो बॉन्ड का मूवमेंट है वो हो जाए और ट्राइगनल बाईपिरामिडल इंटरमीडिएट बन जाए। क्योंकि ट्राइगनल बाईपिरामिडल जो इंटरमीडिएट है वो एनर्जी फैसिलिटेटिंग नहीं है, तो वो तब बनेगा जब ऐसा लिगेंड होगा जो कि एनर्जी रिलीज करेगा ड्यूरिंग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब बेस हाइड्रोलिसिस टीबीवी के थ्रू होता है, ट्राइगनल बाईपिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, तो हमेशा क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एसिड हाइड्रोलिसिस में भी हमने देखा था कि अगर ट्राइगनल बाईपिरामिडल इंटरमीडिएट होगा तो वहां पर बेरी स्यूडो रोटेशन होता है, और बेरी स्यूडो रोटेशन होने की वजह से प्रोडक्ट में भी आइदर सिस और मे बी ट्रांस। तो ये डिफरेंस है दो स्टीरियो केमिस्ट्री में, दो इंटरमीडिएट्स की स्टीरियो केमिस्ट्री में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रांस रिएक्टेंट है जहां पर ए एक ऐसा लिगेंड हम मान रहे हैं कि जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ओके, और ये देखिए ट्रांस आइसोमर के ठीक ए के सामने यहां पर ट्रांस पोजीशन पर लिविंग लिगेंड है, देखिए लिविंग लिगेंड निकल गया, ये नंबरिंग हमने दी है, तो ये एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। लेकिन ये स्टेबलाइज कैसे होती है, जब ये ए जो है इस कोबाल्ट के जो ऑर्बिटल है उनके साथ इस तरीके से सिमेट्री मैच हो जाए कि ये ए और सी ओ जो है वो क्या बना सके, पाई बॉन्ड। तो जब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो ये कैसी इंटरमीडिएट बन जाएगा, ट्राइगनल बाईपिरामिडल इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब ट्राइगनल बाईपिरामिडल जो इंटरमीडिएट है वो ये भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है, दोनों तरीका। देखिए यहाँ पे ए जो है वो प्लेनर पोजिशन पर है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर किस किस तरीके से ये अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो ए है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हो सकता है और एक्सियल पोजीशन पर भी हो सकता है। ओके,
या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो 5 और 2 प्लेन है यहां से अटैक हो सकता है फ्रॉम दिस साइड, आपको मैं दिखाती हूँ डिफरेंट कलर से, यहां से अटैक हो सकता है और यहां से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है और यहां से अटैक हो सकता है, या फिर ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है और ये एक्सियल पोजीशन पर भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अटैक हो सकता है। अगर यहां से अटैक हो रहा है तो देखिए सिस प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए ए और ओ एच एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है, यहां से अटैक हो सकता है ए और ओ एच एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है, अटैक यहां पर हो सकता है तो जैसे कि ए और जो ओ एच इनकमिंग लिगेंड है वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर हो जाए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जनरली यहां पर मैंने ऐसे दिखाया, आपको अभी आगे दिखाऊंगी मैं, जहां पर ये अगर ए की पोजिशन ही बदल जाए यहाँ पर या वो यहाँ पर हो तो आप देखेंगे कि, या फिर इसमें सीडो रोटेशन हो रहा हो तो जब सीडो रोटेशन होगा तभी आप देखेंगे कभी इक्विटोरियल पोजीशन पर होगा कभी एक्सियल पोजीशन पर होगा, उसके अकॉर्डिंग दो तरीके के प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। अब देखिए सिस रिएक्टेंट है, अगर मैं सिस रिएक्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ए और एक्स एक दूसरे के सिस पर है, ये एक्स का रिमूवल हो गया तो ये जो जो इंटरमीडिएट है स्क्वायर पिरामिडल ये अनस्टेबल है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट में। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए जो है एक्सियल पोजीशन पर है और यहाँ पर ये ए जो है इक्विटोरियल पोजीशन पर है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पर है, आप कह सकते हैं कि कभी ए यहाँ चला जाता है कभी ए इक्विटोरियल पोजीशन पर चला जाता है। तो अब आप देखिए कि अगर ये यहाँ है तो अब ये अटैक जो है वो किसी भी साइड से हो सकता है, तो अटैक अगर किसी भी साइड से पॉसिबल है तो फिर अगर हम इसको ले रहे हैं तो आप देखिए अगर ये अटैक 2-4 पोजीशन से होगा या 4-3 पोजीशन से होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट मिला, सिस प्रोडक्ट। और अगर हम ये जो ए है अगर इक्विटोरियल पोजीशन पर है, देखिए ये दो हमने एग्जांपल शो करने की कोशिश की है कि ए अगर स्यूडो रोटेशन की वजह से एक्सियल पोजीशन पर अगर यहाँ से अटैक हो रहा है यहाँ से अटैक हो रहा है तो सिस पोजीशन। ओके, अब देखिए अगर ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है तो अटैक यहाँ से हो सकता है अटैक यहाँ से हो सकता है अटैक यहाँ से हो सकता है, तो अटैक 1 और 3 से हो रहा है तो क्या बनेगा, सिस। अगर अटैक 1 और 6 से हो रहा है तो क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट। अगर अटैक 3 और 6 से हो रहा है तो क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, तो अगर ट्रांस प्रोडक्ट होगा ट्रांस रिएक्टेंट होगा तो भी वो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट देगा, और अगर वो सिस रिएक्टेंट होगा तो भी वो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ओके, सो लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर। अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस। इससे पहले के लेक्चर्स में वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो हमने देखा कि जनरली बेस हाइड्रोलिसिस की जो जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो OH माइनस होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक लिविंग लिगेंड को रिप्लेस करता है, जनरली ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। 2 मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हालांकि SN2 मैकेनिज्म बहुत अधिक एक्सप्लेन नहीं कर पाता है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को, अगर हाई कंसेंट्रेशन हो OH माइनस का या फिर ये कोई लिविंग जो सॉरी ये कोई क्या हो न्यूक्लियोफाइल्स अगर हो, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। कंजुगेट बेस मैकेनिज्म जो होती है जनरली 3 स्टेप्स में होती है, पहले स्टेप में कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में 5 मेंबर्ड यानी SN1 की तरह मैकेनिज्म होती है 5 मेंबर्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और थर्ड स्टेप फास्ट स्टेप है जहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एक स्लो स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ओके, और काइनेटिक्स को अगर हम देखें तो ये हमने ओवरऑल निकाला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब ये रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे डिपेंड होगा, ये डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कंपाउंड कैसा है अगर, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है। अगर हमने हाई कंसंट्रेशन ली तो एक के रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, अगर हमने इस तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स लिए तो एक के रिएक्टेंट पर एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, चाहे रिएक्शन SN2 पाथ से हो या SN1 पाथ से हो, और ये SN1 CB से नहीं होती है क्योंकि जो ये जो रिएक्टेंट जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये इतने अच्छे बेस नहीं है जितना अच्छा OH होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यहाँ से हाइड्रोजन को। ओके, तो E1 CB मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन नहीं होती है। तीसरे तरीके के जो हमने कॉम्प्लेक्स देखे थे वो देखे थे सिस एंड ट्रांस,
और यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जो सिस कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर Cl- और NH2 एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर होते हैं वहाँ पर H का एब्स्ट्रैक्शन आसान होता है, इसलिए सिस का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस है वो फास्ट होता है और ट्रांस का जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या होता है आसान नहीं होता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स हमने देखे जहाँ पर इनर्ट लिगेंड में हाइड्रोजन ही नहीं है तो मैकेनिज्म SN1CB नहीं होगी। फिर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी, यानी सीधी सीधी सी अगर हम बात करें तो अगर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा है तो कि तब बनता है जब इनर्ट लिगेंड पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर होता है, तो उस केस में जो ट्रांस आइसोमर है वो ट्रांस प्रोडक्ट देता है और जो सिस आइसोमर है वो सिस प्रोडक्ट देता है। लेकिन अगर इनर्ट लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है उसमें स्यूडो रोटेशन होता है, उसकी वजह से ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। अगर ट्रांस रिएक्टेंट होगा तो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट देगा, अगर सिस रिएक्टेंट होगा तो भी सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट का मिक्सचर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम बेस हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।